रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजना को बचपन से ही इमली खाने का बहुत शौक था। बचपन तो चला गया, लेकिन संजना का इमली खाने का शौक खत्म नहीं हुआ, जिसके चलते जब तक वो अपनी डाइट में इमली या इमली की चीजों को शामिल ना कर ले, उसका खाना ही पूरा नहीं होता था, जिसकी वजह से उसकी माँ नीलम उसे बहुत सुनाया करती। फिर भी संजना पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन संजना हॉल में बैठी इमली खाते हुए टीवी देख रही होती है, तभी उसकी माँ नीलम संजना के पास आकर उसके सर पर मारते हुए कहती है, तू पागल है क्या? ये अपना दिमाग कहीं बेच आई है। माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया सुबह सुबह जो रख दिया मेरे सर पर एक एक बात बता, ये सुबह सुबह इमली कौन खाता है? ये भी पूछने वाली बात है क्या माँ? मैं खाती हूँ ना। तू तो है ही पागल, पर अपनी ये चटोरी इमली खाना बंद कर और जाके नाश्ता बना, क्योंकि तेरा नाश्ता तो हो गया होगा इमली खा के। नहीं माँ, मैं नाश्ता भी करूँगी, लेकिन इमली के साथ। तेरा कुछ नहीं हो सकता, जाकर अपना काम कर। अपनी माँ नीलम के कहने पर संजना किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसकी दोस्त खुशी हाथों में बहुत सारी इमली के पैकेट लेकर उसके घर आती है और उसकी नजर सोफे पर बैठी नीलम पर जाती है और वो उसे बचते हुए दबे पांव संजना के रूम में जाने लगती है। तभी नीलम उसे टोकते हुए कहती है, कहाँ बेटी, कहाँ जा रही हो इस तरह दबे पांव चोरों की तरह? तुम्हारा ही तो घर है, आराम से आओ, हक से आओ। आंटी जी, मैं दबे पांव नहीं जा रही थी, वो तो बस आपको परेशानी ना हो इसलिए चुपचाप जा रही थी संजना के कमरे में। पहले यहाँ तो आओ मेरे पास और जरा अपना हाथ दिखाओ, क्या ले रखा है तुमने हाथ में? कुछ नहीं आंटी जी, वो तो बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं है। दिखाओ तो सही एक बार। आज इस संजना की बच्ची ने फंसा दिया मुझे, आज आंटी नहीं छोड़ने वाली। अरे कुछ नहीं आंटी जी। खुशी के लाख कहने पर भी नीलम उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसके हाथ में बहुत सारे इमली के पैकेट देखती है तो गुस्से में संजना को बुला कर कहती है, तुम दोनों सुधरने वाली नहीं हो ना, बचपन की दोस्ती बहुत अच्छे से निभा रही हो। आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने बोला था लाने के लिए। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। चुप करो तुम दोनों, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, मुझे सब पता है। मैंने कितनी बार तुम लोगों को कहा है कि इमली मत खाया करो, तुम्हें पता भी है कि हमारे शरीर में कितना नुकसान करती है। पक्का आंटी जी, अब मैं नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी माँ, बस आज तो दे दो। बिल्कुल नहीं, ये पैकेट वापस करो इमली की, और आगे से तुम दोनों के हाथ में दिखाई ना दे ये। नीलम इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और इमली ना मिलने पर दोनों बहुत उदास हो जाती है। फिर भी संजना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, वो हमेशा कुछ ना कुछ करके इमली खाने का बहाना ढूंढ ही लिया करती। ऐसे ही समय बीतता है और संजना की शादी एक अनुज नाम के लड़के से होती है और संजना बहू बनकर ससुराल तो अच्छे से संभालती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं, तभी एक रोज अनुज ऑफिस से घर आता है और अपने कमरे में जाकर देखता है तो संजना प्लेट भरकर इमली रखे हुए बड़े आराम से खाने में लगी थी, जिस पर वो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? क्या आप भी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इमली खा रही हूँ? यार तुम ये इमली खा रही हो या इमली को खाना समझकर खा रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता नहीं है अनुज जी, ये तो कुछ नहीं है, मैं तो इससे भी ज्यादा इमली खा सकती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कितना नुकसान करती है तुम्हें इसका अंदाजा है भी या नहीं? अपनी सासू माँ का डायलॉग मत मारो, वो भी मुझे ऐसे ही सुनाती रहती थी इमली को लेकर। इसके सिवा मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, आप एक बार खाकर तो देखिए, बड़ा मजा आएगा। मुझसे तो तुम इसे दूर ही रखो, तुम्हें इस तरह से प्लेट भर के इमली खाते देखकर मेरे दांत खट्टे हो गए। अब इमली क्या, मैं सिंपल खाना भी नहीं खा पाऊंगा, हटाओ अपनी इमली की दुकान, सोना है मुझे। इतना कहकर अनुज आराम से सो जाता है, लेकिन वो कई बार संजना को इतनी इमली खाने से मना करता पर उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। एक दिन संजना किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास उर्मिला वहाँ आती है, जिसे देखकर संजना बोलती है, माँ जी
आज मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, आप मुझे ला दोगी? सच में बहू, बताना क्या खाना है तुझे, अभी ला देती हो। लेकिन तुझे खट्टा खाने का मन को ज्यादा ही जल्दी नहीं कर गया? मैं समझी नहीं माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? तू वो सब छोड़ बहू, बस ये बता तुझे खाने का क्या मन है। माँ जी मुझे इमली खाने का बड़ा मन कर रहा है, कल रात को तो थी मेरे पास लेकिन अब खत्म हो गई। कोई बात नहीं बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ, आधे टाइम तेरे लिए इमली ले आऊंगी। माँ जी आप कितनी अच्छी हैं। नहीं अच्छी तो बहू है मेरी, जो इतनी बड़ी खुशी इतनी जल्दी दे दी मुझे। ये माँ जी किस खुशी की बात कर रही है? माँ तो इमली का नाम सुनते ही भड़क जाया करती थी, लेकिन माँ जी खुश हो रही है। ठीक है बहू, तू नाश्ता बना के आराम कर लियो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उर्मिला इतना कहकर मार्केट के लिए चली जाती है। संजना भी अपने किचन के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद उर्मिला अपने साथ पड़ोस की बहुत सारी औरतों को लेकर मार्केट से घर लौटती है। तभी अनुज ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और सुबह सुबह घर में इतनी सारी औरतों को देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ ये सुबह सुबह इतनी सारी औरतों की फौज हमारे घर में क्या कर रही है? बेटा ये सब तुझे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। माँ शादी में सबसे आशीर्वाद मिल तो गया था। बेटा ये शादी के लिए नहीं, तेरे बच्चे के लिए तुम दोनों को आशीर्वाद देने आई हैं। हाँ अनुज बेटा, जब हमें इतनी बड़ी खुशी के बारे में पता चला तो हमने सोचा हम सब लोग एक साथ आशीर्वाद देने आ जाए। किसने कहा आपसे माँ बच्चे के बारे में? बेटा और कौन कहेगा, बहू ने, इसलिए उसने मुझसे इमली मंगवाई है। अपनी माँ की सारी बात सुनकर अनुज गुस्से में संजना को बुला कर कहता है, ये सब क्या है, तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, किसने कहा? माँ कह रही है। माँ जी मैंने आपसे कब कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? बहू तूने ही तो बोला था कि तुझे खट्टा खाने का मन है, इमली खानी है तुझे। माँ वो इसने इसलिए कहा क्योंकि इसको इमली खाना बहुत पसंद है, और कोई बात नहीं है। जी माँ जी, अनुज जी सही कह रहे हैं। तुम लोगों ने तो मेरी सारी खुशी ही खत्म कर दी। चलो बहन, यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी, बस एक गलतफहमी थी, बिना बात के इतना सारा समय खराब हो गया। इतना कहकर सभी औरतें वहाँ से चली जाती है और अनुज भी अपने ऑफिस निकल लेता है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन संजना की 24 घंटे इमली खाने की आदत में सुधार नहीं आता और उस पर किसी के बोलने का असर तक नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि अचानक से संजना के नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर सबसे कहता है, इन्होंने बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाई थी क्या? डॉक्टर ये पूरे ही दिन खट्टी इमली खाती है बिना रुके, मैंने बहुत समझाया पर ये नहीं सुनती। इनको प्रॉब्लम भी इसीलिए हुई है, देखिए काफी हद तक इमली खाना हमारे लिए अच्छा होता है लेकिन इसके नुकसान भी बहुत होते हैं। ज्यादा इमली का सेवन करने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है और अगर आपने समय रहते अपनी आदत को ठीक नहीं किया तो आगे आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डॉक्टर की सारी बातें सुनने और अपनी हालत देखने के बाद संजना को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपने घर वालों से गलती की हाथ जोड़कर माफी मांगती है और सबसे अपनी इमली की आदत को कम करने का वादा करती है। करण इस बार की जन्माष्टमी बड़े ही अलग तरीके से मनाना चाहता था। वो अपने दोस्तों को फोन करके अपने घर बुला लेता है और उनके साथ में मिलकर मटकी फोड़ का प्लान बनाता है। उसके दोस्त भी इसके लिए मान जाते हैं। उनमें से उसका एक दोस्त करण से बोलता है, यार हम प्लान बना तो रहे हैं पर इन सब चीजों के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। हाँ भाई, पैसे कहाँ से आएंगे इतने सारे? उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, बस तुम मेरा साथ दे देना। हाँ भाई, कभी भी। अच्छा तो हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट बना लेते हैं। मैं क्या कह रहा था कि हमें एक बार उन लोगों को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। किन लोगों को? ये हम सबकी जान की बात कर रहा है। हाँ भाई सही समझा बिल्कुल तू, वो हमें अपनी हर खुशी में साथ रखती हैं तो हमें भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। ठीक कह रहा है भाई, हमें उन्हें बुलाना चाहिए। वो तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को फोन करके करण के घर बुला लेते हैं और उन्हें अपने इस प्लान के बारे में सब बताते हैं। तभी वो तीनों भी वहां आ जाते हैं। उन्हें भी प्लान बहुत अच्छा लगता है पर वो उस प्लान में थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोलती है, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम मटकी फोड़ कार्यक्रम को छोड़कर एक कंपटीशन रखवा दें
एक तरफ होगी हमारी टीम और दूसरी तरफ होगी कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स की टीम। तो बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया यार, क्यों है ना गाइस? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, हम सब एक बार कॉलेज में भी बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर अपने कॉलेज जाते हैं और अपने कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स से इस कंपटीशन की बात करते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स भी इस कंपटीशन के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो लोग एक डील करते हैं कि जीतने वाली टीम को 20,000 रुपए की धनराशि इनाम में दी जाएगी और उस जीती हुई राशि से कॉलेज के इवेंट्स में होने वाले फंक्शंस का खर्चा उठाया जाएगा। इसके लिए सभी एग्री करते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने अपने लेवल पर तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में करण अपने दोस्तों से कहता है, लिसन गाइस, मैं ये कह रहा था कि हम सबको अपने काम डिवाइड कर लेने चाहिए, इससे हमारा काम आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। तो ठीक है, मैं पैसों का देख लूंगा, अर्जुन कॉस्ट्यूम्स का और रोशन खाने का देख लेगा, ठीक है ना? वो दोनों उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और सभी अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू करते हैं। तैयारियां करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और वो दिन आ ही जाता है जिसका उन सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आप सबका बहुत स्वागत है इस पावन मौके पर। मैं रोहन आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो जिसका आप सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी बस अब आने ही वाली है। थोड़ी देर में हमारे कॉलेज के डीन आते ही होंगे, उनके आते ही हम मुकाबला शुरू कर सकते हैं। इतने में आपको दोनों टीम के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो मेरी दाएं तरफ जो टीम खड़ी है उसका नाम है शूरवीर्स और मेरे बाएं तरफ जो टीम है उसका नाम है मस्तानों का झुंड। वैसे ये सब एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कोई भी जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बात इज्जत की होती है और सब अपनी अपनी इज्जत के लिए ये मुकाबला लड़ेंगे। रोहन के इशारे पर दोनों टीम्स अपनी अपनी जगह पर आकर खड़ी हो जाती हैं और एक एक करके पिरामिड बनाती है। पहले करण की टीम शूरवीर्स काफी तेजी से पिरामिड बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन दूसरी टीम उन पर बार बार पानी गिराती है, साथ ही उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है जिससे वो पिरामिड ना बना पाए और गिर जाएं। और उनकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है, जिसके बाद अब दूसरी टीम की बारी आती है। वो लोग बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका पिरामिड बड़ा बनता जाता है वो लोग नीचे गिर जाते हैं। इसी के कारण उस टीम के मध्य तनाव उत्पन्न होने लगता है और वो लोग काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। देखिए, आप सब ऐसे लड़िए मत, शांत रहकर इस बात को समझिए कि अगर आप ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे और बुरी तरह से हारने के साथ साथ आपकी दोस्ती में भी दरार आ जाएगी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर मेरी बातों पर गौर कीजिए, उसके बाद हम दोबारा मुकाबला शुरू करेंगे। रोहन की बातों को सुनने के बाद वो लोग लड़ना बंद कर देते हैं और शांति से मन लगाकर मुकाबले में भाग लेते हैं। इस बार वो सब काफी अच्छे तरीके से पिरामिड बनाते हैं, लेकिन जब वो मटकी फोड़ते हैं तो मटकी में कुछ नहीं निकलता, वो बिल्कुल खाली होती है। उसे खाली देखकर सभी चौंक जाते हैं, तो रोहन उन सबको बताता है, देखिए आप सब शांत हो जाइए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मना रहे हैं तो इतना तो चलता है। हमने भी भगवान कृष्ण की तरह माखन चुरा लिया मटकियों में से, पर कोई बात नहीं, इस राउंड के विजेता मस्तानों का झुंड ही है। बाकी अगले राउंड के लिए आप सब तैयार हो जाइए, रात में 10 बजे अगला राउंड शुरू होगा, उसमें देखेंगे कि कौन जीतता है। रोहन की बात को सुनकर एक बार फिर से लोगों में नया उत्साह पैदा हो जाता है। वो सभी रात का इंतजार करने लगते हैं। तब तक सभी मंदिरों में जाकर तरह तरह की झांकियां देखते हैं। हर मंदिर में एक से बढ़कर एक झांकी का इंतजाम हुआ था। ऐसे ही मंदिरों में परिक्रमा करने के बाद वो लोग मार्केटों में तरह तरह के खाने की चीजों को देखते हैं। खाना देखकर उन्हें बहुत ही जोरों से भूख लगती है, पर 12 बजे से पहले वो लोग कुछ खा नहीं सकते थे, इसी वजह से वो लोग रात होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद रात भी हो जाती है और उनके मुकाबले का टाइम भी। एक बार फिर से सभी लोग मुकाबले के लिए एकत्रित होते हैं और रोहन उन सभी से बोलता है, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है इस पावन अवसर पर। अब हम देखेंगे कि इस बार कौन अपने साथ 20,000 रुपए की धनराशि और विजेता का खिताब लेकर जाता है। जो लोग दिन में हमारे साथ नहीं थे उन्हें भी मैं हमारी टीम से परिचित करवा देता हूँ। तो मेरे दाएं तरफ खड़ी है टीम शूरवीर्स और बाएं भाग में खड़ी टीम है मस्तानों का झुंड।
तब हम मुकाबला शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। रोहन के इशारे पर एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है। अब दर्शकों के मन में यही सवाल था कि आखिर इस बार कौन जीतेगा, दिन वाले मुकाबले की तरह मस्तानों का झुंड या फिर शूरवीर। मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, लोगों की धड़कने भी तेज होती जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्म की तैयारियां भी बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही थी। सभी के मन में उत्साह की भावना थी, पर जीत तो किसी एक की ही होनी थी। तो इस बार करण माखन से भरी हुई मटकी फोड़कर जीत शूरवीर के नाम करता है, जिसे लेकर उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, साथ में उनकी गर्लफ्रेंड्स भी। जीत हासिल करने के बाद वो सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोहन उन्हें जीत की बधाई देते हुए बोलता है, बहुत अच्छे से आपने ये मुकाबला लड़ा, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और जो टीम जीत नहीं पाई उसके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुकाबला लड़ा। और मैं इस कंपटीशन को कराने वाले से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें भी कोई इनाम मिलना चाहिए। इसके बाद वो सभी मिलकर मंदिर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें झूला झुलाकर उनकी आरती उतारते हैं और सभी मिलकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं। और आखिर इस तरह करण अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना जन्माष्टमी का त्योहार हंसी खुशी मनाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में लगी मीरा अपने कान्हा जी के लिए पुष्पमाला बना रही थी कि तभी उसकी सास यशोदा उसके पास आकर कहती है, बहू बन गई माला? अरे जल्दी जल्दी कर, बहुत काम है आज। माँ जी आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैं कर रही हूँ ना काम, बस ये माला बन गई, इसके बाद मैं नंद गोपाल के कपड़े बना दूंगी। हाँ बहू मुझे पता है तू सब संभाल लेती है, फिर भी बाल गोपाल के जन्म की तैयारियों में मुझे बहुत आनंद मिलता है। हाँ वो तो है ही माँ जी, आखिर मेरे कान्हा है ही इतने प्यारे। अरे प्यार से याद आया, ये मेरा नालायक बेटा प्रेम कहाँ है, सुबह से नहीं दिखा मुझे, अभी तक दोपहर हो गई है। माँ जी वो तो गए अपने दोस्तों के साथ दही हांडी फोड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा तो ये नालायक ना जन्माष्टमी से पहले ही अपने हाथ पैर तुड़वा के आ जाएगा। दोनों सास बहू जन्माष्टमी की तैयारियां करने में लग जाती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन सरला आकर बोलती है, यशोदा बहन सारी तैयारी हो गई पूरी? हाँ सरला बहन सारी तैयारियां हो गई है, मेरी बहू है ना मीरा वो सब संभाल लेती है, बड़ी ही गुणी बहू मिली है मुझे, जब से आई है मेरे घर को तो स्वर्ग बना दिया है उसने। ये सब तो ठीक है यशोदा बहन, तुम्हारी बहू ने पूजा की तो सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन चिंता तो मुझे इस बार मटकी फोड़ की है, उसकी तैयारी तो तुम्हारी बहू नहीं हम सबके बेटे मिलके करेंगे। हाँ सरला बहन मुझे भी इस बार चिंता है, क्योंकि इन सब ने पहले तो ध्यान दिया नहीं और अब कुछ दिन बचे हैं जन्माष्टमी में तो ये प्रैक्टिस में लग गए हैं, अब तो कान्हा जी ही बचा सकते हैं हमें इस दुविधा से। दूसरी तरफ प्रेम अपने दोस्तों के साथ दही हांडी के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो बार बार अपने दोस्तों को घोड़ा बनाकर उन पर चढ़ता है और गिर जाता है। लगातार पांचवी बार प्रेम गिरता है, जिसके बाद वो कहता है, भाई लोग इस बार क्या होगा यार, टेंशन हो रही है, हर बार दही की मटकी हम फोड़ते हैं पर इस बार यार किसी के कंधों में जान ही नहीं है, ऐसे ही चलता रहा तो हम तो हार जाएंगे और तुम्हें पता है ना प्रेम को हार मंजूर नहीं है। प्रेम की इस बात पर उसका एक दोस्त मयूर उससे बोलता है, भाई ये लोग खा खा कर मोटे हो गए हैं, इसलिए तो इनमें शक्ति नहीं है खड़े होने की, तभी तो बार बार गिरे जा रहे हैं। यार किसी को क्या दोष दूं, मैं खुद अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं। चलो एक बार और करते हैं कोशिश, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नहीं यार अब मुझसे नहीं होगा, कल करते हैं ना भाई। पर फिर कल आखिरी दिन होगा हमारे पास, तो पूरा दिन प्रैक्टिस होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, सब सुन रहे हैं ना? सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं, प्रेम भी थका हारा अपने घर लौट जाता है और जल्दी से अपनी पत्नी से कहता है, मीरा यार पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है और पूरा शरीर टूट रहा है मेरा, इतनी प्रैक्टिस की कि अब एक एक अंग दर्द कर रहा है मेरा। प्रेम की आवाज सुनकर मीरा की जगह यशोदा पानी लेकर आती है, वो प्रेम को पानी देती है जिसके बाद उससे बोलती है, आज ही टूट गया तू, अभी तो जन्माष्टमी आई भी नहीं है, मुझे नहीं लगता तेरे से दही हांडी फूटेगी, शरीर तो पूरा खा खा के फुला लिया है,
किसी के ऊपर चढ़ेगा ना तो वो भी दब जाएगा तेरे शरीर से। सही कहा माँ जी आपने। हंस लो परसों देखना सबकी बोलती बंद कर दूंगा। देखते हैं हम भी क्या कारनामा करता है तू आखिर। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आता है। यशोदा और मीरा शाम की तैयारियों में लग जाती हैं। वो दोनों रात के लिए लड्डू बना रही होती हैं कि तभी प्रेम बाहर जाते हुए कहता है, माँ मीरा मैं जा रहा हूँ दही हांडी की प्रैक्टिस करने। तभी वहाँ यशोदा आकर बोलती है, ध्यान रखियो कहीं आज ही सारी हड्डियाँ तोड़वा के आ जाए और कल के लिए भी बचानी है कुछ। हाँ हाँ मार लो ताने। प्रेम अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ यशोदा और मीरा भी शाम के लिए प्रसाद बनाने में लग जाती है। शाम होती है, सभी जगह कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची होती है। मीरा भी बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। अपनी सास के साथ में वो मंदिर जाने के लिए निकल जाती है। प्रेम भी अपने दोस्तों की टोली के साथ तैयार होकर आ जाता है। मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया जाता है। साथ ही मंदिर के बिल्कुल बाहर दही की मटकी लटकी होती है जिसे तोड़ने के लिए प्रेम और उसकी टोली तैयार होती है। ऐसे में मटकी को देखकर प्रेम कहता है, बस कुछ ही देर में हम ऊपर होंगे और इस मटकी का माखन हमारे मुंह में होगा। मटकी फोड़ की शुरुआत होती है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी मटकी फोड़ने वालों का उत्साह बढ़ाते हैं। प्रेम की टोली घोड़ा बनना शुरू होती है जिसके बाद वो उन पर चढ़कर मटकी तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल हो जाता है और गिर जाता है। कई बार कोशिश करने पर भी वो मटकी को फोड़ने में नाकाम होता है। ऐसे में प्रेम उदास होकर खड़ा हो जाता है कि तभी मीरा कहती है, क्या हुआ प्रेम जी? देखो मेरी बात सुनो, आप ना उदास मत हो। जरूरी नहीं है कि हर बार सफलता हमें ही मिले, बस आप कोशिश करते रहो। मीरा हर साल मैं ये मटकी फोड़ता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस बार मैं मटकी तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कोशिश करूँ। तुम पागल हो? नहीं नहीं, अगर गिर गई ना तो हाथ या पैर तो तुड़वा ही लोगी तुम। प्रेम की इस बात पर मीरा बोलती है, प्रेम जी मैंने अपने मायके में भी कई बार मटकी फोड़ी है जन्माष्टमी पर। और वैसे भी प्रेम जी मेरे कान्हा मेरे साथ है और देखना आज तो मैं आपके लिए ये मटकी फोड़ कर ही नीचे आऊंगी। क्या सच में तुम ये करना चाहती हो? हाँ प्रेम जी, भरोसा रखिए आप मुझ पर। इसके बाद प्रेम अपने दोस्तों की टोली को वापस से इकट्ठे होकर सीढ़ियाँ बनने के लिए कहता है जिसके बाद उस पर मीरा को चढ़ते हुए देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसे देखकर यशोदा कहती है, अरे वाह बहू वाह, तू ये कर सकती है, मेरी मटकी फोड़ बहू, तोड़ दे मटकी। मीरा ऊपर चढ़ जाती है और मटकी को पकड़कर जोर से कहती है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। देखते ही देखते मीरा मटकी फोड़ देती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और मीरा नीचे आ जाती है, साथ ही अपनी सास का आशीर्वाद भी लेती है जिसके बाद यशोदा उससे बोलती है, वाह मेरी बहू, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, मेरी बहू ने मटकी फोड़ी, कान्हा जी की कृपा है तुझ पर। और सरला बहन देखा, मेरी बहू ने ये भी संभाल लिया। अरे वाह यशोदा बहन, तुम्हारी बहू तो मटकी फोड़ निकली, तुम्हारी बहू तो सर्व गुण संपन्न है। हाँ माँ सही कह रही हो आप, आज मीरा ने मान रख लिया हमारा। अच्छा माँ जी प्रेम जी चलिए ना, 12 बजने वाले हैं, कान्हा जी का जन्म होने वाला है, उनको झूला झुलाना है और भोग भी तो लगाना है। हाँ हाँ चलो चलो, कान्हा जी का जन्म होने वाला है, जल्दी चलो सब। सभी लोग मंदिर में इकट्ठे होते हैं और 12 बजते ही कान्हा जी की मूर्ति पर फूलों की बरसात होती है। सभी लोग कान्हा जी की आरती उतारते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, साथ ही झूला भी झुलाते हैं जिसके बाद नाच गाने के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।